हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैनरा बैंक के एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है कैनरा बैंक का एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको आपका नाम लिखना रहता है और उसके नीचे आपका एड्रेस, ठीक है। इसके नीचे आपको जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच की डिटेल्स मेंशन करने रहते हैं। जैसे कि कैनरा बैंक, आपका अकाउंट अगर दिल्ली में है, मुंबई में है, या कोई पर्टिकुलर ब्रांच जो है उस ब्रांच का नाम और उस ब्रांच का कोड जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि ये कार्ड आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यू, या फिर अगर एक एडिशनल कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एडिशनल, या फिर अगर कार्ड आपका गुम हो गया है तो रिप्लेसमेंट कार्ड। जो भी ऑप्शन आपके लिए सही है वो आप सेलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर पैन कार्ड मेंशन कर देंगे। फिर अगर आपको पर्सनलाइज्ड कार्ड चाहिए, पर्सनलाइज्ड कार्ड मतलब जिस पे आपका नाम मेंशन रहता है, तो यहाँ पर आप अपना वो नाम मेंशन कर देंगे जो आपको कार्ड पर प्रिंटेड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको अपने अकाउंट डिटेल्स मेंशन करने रहते हैं, यानी आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो सेविंग, या फिर करंट अकाउंट है या ओडी अकाउंट है। तो मेरा जैसे सेविंग है तो मैंने सेविंग सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे, इशू कैनरा बैंक डेबिट कार्ड नॉन पर्सनलाइज्ड। नॉन पर्सनलाइज्ड मतलब जिस पर आपका नाम मेंशन नहीं रहेगा, बस आपको एटीएम कार्ड मिलेगा। नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड का फ़ायदा ये है कि आपको हैंड टू हैंड ब्रांच में उसी समय मिल जाएगा, और पर्सनलाइज्ड कार्ड पोस्ट से कुछ दिन के बाद आपके घर पर आता है। तो अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो आप नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर टिक कर देंगे और बैंक में जो भी स्टाफ हैं उनको बता देंगे कि आपको नॉन पर्सनलाइज कार्ड की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपका फॉर्म एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। इस फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे और आपको आपका एटीएम कार्ड मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू।